अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कबूतर स्पोर्ट्स। ये देखें जी, ये आज धूप निकली है, थोड़ा सा सूरज अच्छा निकला है माशाल्लाह। मुबारक हो सारे कबूतरबाज भाइयों को जिनको इंतज़ार था धूप का कि धूप निकल आए, तो धूप निकल आई है माशाल्लाह। ठीक है, कबूतर माशाल्लाह भी खुश हैं, धूप सेक रहे हैं। ठीक है, ये आप सारे देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की ना धूप लगी है, तो सारे खुश हैं इस वक्त। ठीक है, आप जितनों को भी देखेंगे सारे खुश हैं। और ये देखें, ये खुशी से ये ठापे ताले मारती हुई निकल गई है। ठीक है, इसका नाम मैंने चप रखा हुआ है। ठीक है, हालांकि ये है हमारे कबगर और हरों की ब्रीड में से है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, मस्तियां करेगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि धूप ही नहीं निकली काफ़ी दिनों से ना, सिर्फ वही जो थी धूप नहीं निकल रही थी सही, तो अभी माशाल्लाह धूप निकली है तो सारे कबूतर भी खुश हो गए हैं। ये एक मादी मुझे बड़ी पसंद है, ये लाखी फिरोजपुरी मादी है। ठीक है, ये मादी अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसका शौक भी कराएंगे आगे। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे कबूतर पड़े हैं मेरे जाल में, आपको हम वक्तन वक्तन करवाते रहते हैं, शौक करवाते रहते हैं अपने कबूतरों का, जो जो हमारे पास नस्लें पड़ी हैं तकरीबन सारी हैं, सियालकोटी, कमगर, कसूरी, ठीक है, जालदार आप कहें, फिर गोल्डन कह लें, टेडी कह लें, जो आप कहेंगे छत वाले कह लें। ठीक है, तो हर तरह की ब्रीड मौजूद है यहाँ पे, हर तरह की। रामपुरी आ गए, ये देखें, ये रामपुरी पेयर भी पड़ा हुआ है एक। ठीक है, इनके बच्चे भी सेल होते हैं, उनके बच्चे उड़े भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास। ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों रामपुरी हैं। फिर क्या नाम है अपना, ये तस्वीर वाले देखें जी, मियां नज़ीर साहब के तस्वीर वाले देख लें आप। ठीक है, तो हर तरह के ये हरे देख लें माशाल्लाह, हरे भी बड़े टॉप क्वालिटी के हरे पड़े हुए हैं, ये देखें जी, ये ठीक है, और इसको देख लें ये अपनी मस्ती में, ये ठीक है, बैठने भी आती है कभी कभी, ये सुबह की तंग कर रही है हमें। ठीक है, तो आपको मैंने कहा चलें इसका शौक करवा देते हैं, और ये देखें जी, ये आके बैठ रही है, तो यही मज़ा होता है बस, ये जी छत के ऊपर आए हैं आके शौक करें, उधर उधर ये तारों पर बैठने का भी इसको आजकल जो वो मज़ा आ रहा है, तो ये हर वक्त इधर जाके बैठ रही है, एक कभी इधर तार पे बैठ जाती है, कभी तार पे थोड़ा सा उधर होके बैठ जाती है, तो इसी तरह जी घूम फिर के शौक हो रहा होता है। बच्चे इस दफ़ा छोड़े हुए हैं, अल्लाह खैर करे, बस धूपें इस तरह निकलती रहीं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बच्चों का भी शौक कराएंगे, इधर ढेर सारे बच्चे भी छोड़े हुए हैं। ठीक है, और ज़िंदगी रही तो इनका भी शौक करवाएंगे, जैसे उड़ेंगे फिर आपको इनकी वीडियो जाया करेंगी। ठीक है, वीकेंड के वीकेंड और जिस तरह भी आप कहेंगे उस तरह आपको वीडियोज़ मिल जाया करेंगी, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा शौक होगा। बाकी सबको मैंने मुबारकबाद देनी थी कि जी धूप निकल आई है, अल्लाह ताला सबके लिए खैर वाफियत रखे। ठीक है, और ये घर ही मादी माशाल्लाह बहुत अच्छी बैठी हुई है, देख रहे हैं आप, ये देखें। ठीक है, इसी तरह ही माशाल्लाह कबूतर बहुत अच्छे हैं सारे, लेकिन सब ने आपको पता है अच्छे ही रखे होते हैं, किसी ने भी बुरे नहीं रखे होते। ठीक है, तो कोशिश करें उड़ाएँ, उड़ा के परफॉर्म करवाएँ कबूतरों को, और जैसे कबूतर फिट हो जाते हैं आपकी परवाज़ों में आना शुरू हो जाते हैं, एक टाइम करने लग जाते हैं, तो उसके बाद ही आप उनको जोड़ों में लेके आएँ। ठीक है, दो एक सीज़न आप उनको उड़ाएं अच्छी तरह, उनको चेक करें। जैसे ये अभी इसका पहला सीज़न है, ठीक है, तो ये सर्दियों में असल में निकली हुई ब्रीड है, और जो है ना इंशाल्लाह ताला ये भी उड़ेगी, इसका भी हम आपको शो करवाएंगे। बचपन में तो बड़ी उड़ी, अच्छा है कि ये बड़ी अच्छी खूबसूरत लाल आंखों वाली कबूतरी, ये देख रहे हैं ये डब वाली। ठीक है, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी कबूतरी है, इसका भी इंशाल्लाह ताला ब्रीड निकलवाएंगे आपको दिखाएंगे। एक ये 25 नंबर वाली ब्रीड है, ठीक है, ये भी तेज़ लाल आंखों में है। ठीक है, लेकिन ये उससे भी तेज़ लाल आंखों में है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीडें पड़ी हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इधर तस्वीर वाला नर पड़ा हुआ है, ये देखें, ये भी तेज़ लाल आंखों में है। ठीक है, और इसी तरह ही हमने बड़ी बड़ी नाम भी इनके बड़े अच्छे रखे हुए हैं। ठीक है, ये अभी बटेरी मादी है। ठीक है, और ये काले मुंह वाली पड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह ही इधर मादियाँ चलते, इधर ये कमागर मादी पड़ी है। ठीक है, ऊपर हरी पड़ी हुई है, ये देखें ये, फिर ये मोतियों वाली, ठीक है, मोतियों वाली ब्रीड है ये जी हमारी, बटेरा क्रॉस जो है कमागर कबूतरों का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे उड़े थे माशाल्लाह, तीन तीन चार चार बजे तक ये बैठते रहे बच्चे हमारे पास, तो हमने कहा चलो इस दफ़ा ये एक रख भी लेते हैं पट्टी इनमें से। ठीक है, और वो देखें एक डब वाली बाहर निकल के आई हुई है वो जाल के सामने, तो ये टेडी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा टेडी है। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कमी नहीं है कबूतरों की। ठीक है,
तो कमी किसी के पास भी नहीं होती, हर एक के पास ही अच्छी चीज़ें होती हैं और सबने अच्छी करके रखी होती है। अल्लाह ताला सबके कबूतरों को खैर वाफियत से रखे। बाकी जो लोग अभी बना रहे हैं, सेटअप बना रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी बात है कि वो जी अपना उनका मुबारक हो सेटअप, वो जैसे कुछ कामयाबी हासिल करें। आप देखें, एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, सब लोगों ने बड़े बड़े जाल रखे होते हैं ना उनकी छतों पे, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जाल होते हैं 25-25 फुट 30-30 फुट। ये महज मेरे ख्याल में 5 फुट का है ये, ठीक है, 5 फुट का जाल है, ठीक है, और इसी पे ये सारे लगे हुए हैं। ये भी ये इनमें से ज़्यादातर उड़े हुए हैं मेरे कबूतर जो है ना, ये ज़्यादातर उड़े हुए हैं, इनमें से उड़ा उड़ा के इधर रखे हुए हमने, ठीक है। इनमें से भी ज़्यादातर अभी पुटाइयाँ जो दी हुई हैं जिनको, वो पीछे आपको देखा पुटे हुए कबूतर भी पड़े हुए हैं, तो पुटाइयाँ जो दी हैं वो इसी जाल पे ही लगे हैं, ठीक है। जिस कबूतर में अकल होगी वो इतने से जाल पे भी वापस आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको बड़े जाल ऊंचे जाल करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप इतने से जाल पर भी आप सारा कुछ आप ना अपना कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ज़्यादा नस्लों की जरूरत भी नहीं है, आप 4-5 ब्लड लाइनें चलाएँ अपनी, ठीक है। अभी देखें कितना शानदार टेडी खड़ा हुआ है, ये आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें, ये सखी बट्टी वाली ब्रीड में से है, बड़ा शानदार टेडी है, ठीक है। इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ते रहे हैं, इसकी पट्टियाँ पट्ठे, ठीक है, इसके अंदर इसके बच्चे भी हैं और मेरे दूसरे सेटअप पे भी इसके बच्चे हैं, ठीक है। ये हमारे गट्टू ब्रीड है, जो जिसको हम गट्टू टेडी कहते हैं, इसके भी माशाल्लाह 2 बच्चे पाल रहे हैं, एक ये मादी आ गई, ठीक है, ये इस फिरोजपुरी की आई है, जो फिरोजपुरी खारिश कर आई है, ठीक है। इस तरह की माशाल्लाह मैं ये बताना चाह रहा था कि सब ने अच्छी ब्रीडें रखी हैं, किसी के पास कोई माड़ी ब्रीड नहीं होती, सब ने अच्छे करके रखे होते हैं। तो कोशिश करें, उड़ाएं कबूतरों को, उड़ा के अपने जोड़ों में डालें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन अब इस तरह की डिटेल्ड वीडियोस आती रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया करेंगे। और आजकल जो है हमारे इधर करीबी भी है ना, इन्होंने काफ़ी लोगों ने कबूतर रखे हुए, अब इस तरफ जाएँगे ना थोड़ा इस साइड पर हैं तो इधर भी एक बंदे ने कबूतर रखे हुए हैं, आगे जाल भी बने हुए हैं। कोशिश करूंगा कि आपको मैं ना कोई जाल छाल भी दिखा सकूं, ठीक है। दूर है वो जाल, अगर इसके लेंस ने कैप्चर कर लिया तो आपको मैं उसका जाल भी दिखाऊंगा, ठीक है। इधर से नज़र तो आता है लेकिन अभी धुंध इतनी है कि वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस साइड पर भी लोगों ने जाल रखे हुए हैं, हमारी इस सोसाइटी में लोगों को जाल रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो है लोगों ने बाहर जो रखे हुए हैं, ठीक है। और लेकिन इधर आसपास छतों ने कबूतर भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं, हमारी जैसी छत हैं सारी, टोटल सारी हमारी जैसी छत है, नीचे नीवे जाल रखे हुए हैं और उसी के ऊपर शोक हो रहा है, उसी तरह सेटअप है। तो ये हमारे सेटअप का एक पूरा व्यू है, ठीक है। इधर से आपको अक्सर वीडियोज़ आती भी रहती है हमारे चैनल से, इंशाल्लाह ताला आगे भी आती रहेंगी। और बाकी सबको मेरी तरफ से सलाम, खुश रहें, खुश रखें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि अच्छा शौक आ सके। इंशाल्लाह ताला जेठ में तफसीली वीडियोस आया करेंगी, फिर आपको कबूतर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देंगे, जोड़े कैसे लगाएं, पर कैसा होना चाहिए, ठीक है, आँख कैसी होनी चाहिए। हम उस्ताद तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ताला जो परफॉर्मेंस की बेसिस पर चीज़ें हैं वो आपको बताया करेंगे, ठीक है जी। ओके भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम।